अगर घर में नॉन वेज है, बहुत सारी नेगेटिविटी है। एक तरफ तो पिरामिड वो काम कर रहा है कि पॉजिटिविटी को लेकर आता है, लेकिन ये भी सच है कि जहाँ पे जो भी उसके अंदर है वो ऊर्जा को बढ़ाता है। ये सच है, ये सच जी है। अगर तुम दुष्कर्म करोगे पिरामिड के अंदर बैठ के, तो वो बहुत सारे दुष्कर्म और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये सच है। अगर आपको पिरामिड के अंदर बैठ के झगड़ा करोगे, तो झगड़े बहुत सारे बढ़ जाएंगे, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये सच है, क्योंकि एक व्यक्ति में, एक देश में, अभी मैं ऑनलाइन हूँ इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन ऐसे करके पिरामिड्स लगवाए और वहाँ भेजे, और जब रिजल्ट नहीं आ रहा था उसको, तो उसने मुझसे पूछा, रिजल्ट नहीं आ रहा। उन्होंने अपने जितेन जी वाले पिरामिड्स लगवाए थे, काफी लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। तब मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप उस देश में जाते हो, आपको पता है वहाँ पे कौन रहता है, उस जगह हो क्या रहा है? उसने कहा, वो तो मुझे पता नहीं। मैंने कहा, पता कीजिए ऑफिस में क्या क्या खेल होता है। तो जो खेल हो रहा था ऑफिस में, वो खेल को बढ़ा रहा था। तो मैंने कहा, सारे पिरामिड वहां से उतरवा दीजिए। समझ गए तुम लोग? तो जो इशारे से समझना है वो समझ लो। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि पिरामिड हम बाथरूम में भी नहीं लगवाते हैं, समझो। पिरामिड बाथरूम में नहीं लगते बच्चों। पिरामिड एक मंदिर की तरह है। पिरामिड एनर्जीज को मल्टीप्लाई करता है। बाथरूम एक ऐसी जगह होती है जहां पे मल त्याग करने के लिए जाते हो, अपनी गंदगी को त्यागने के लिए जाते हो। ऐसे स्थान पर अगर पिरामिड रखोगे, तो गंदगी की वो ऊर्जा और मल्टीप्लाई हो जाएगी। पूरी साइंस को समझना, हर तरीके को उस तरीके से समझो। क्लींजिंग करता है पिरामिड, क्लींजिंग करेगा, क्योंकि वहां बैठ के तुम मेडिटेशन कर रहे हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसलिए पथरी सर ने पिरामिड्स को फोकस किया, पिरामिड्स फॉर मेडिटेशन, गॉट इट? और अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, उनमें जो रिसर्च करके बोला, दे यूज पिरामिड फॉर द अदर पर्पसेस। पथरी सर फोकस्ड कि अगर हम इसमें मेडिटेशन करते हैं, इट विल मल्टीप्लाई सो मेनी टाइम्स। ऐसे ठीक? या